सो गाइज वेलकम यू ऑल आफ्टर सो मैनी लॉन्ग टाइम्स। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हमने डिजिटल मीडियम में स्पेशली कोरोना के बाद बहुत ही झंडे गाड़े हैं और इंडिया इज़ ग्रोइंग ऑन द फास्टर पेस एज वी नो। इनफैक्ट वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ऑन द प्लानट। सो इफ़ वी सपोर्ट द डिजिटल मीडिया, डिजिटल इकोसिस्टम, सो ई कॉमर्स कंपनी विल पॉप आउट। ई कॉमर्स कंपनियाँ जो हैं ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सपोर्ट करती हैं और ई कॉमर्स कंपनियों के जो मुख्य माध्यम है कस्टमर से जुड़ने के वो डिजिटल ही है। सो दे टेक्स वेरियस मीन्स एंड दे इनफैक्ट टेक्स वेरी इम्प्रॉपर मीन्स टू कनेक्ट विद द कस्टमर। बहुत गलत तरीके अपनाते हैं कस्टमर से जो है वो जुड़ने के। जैसे आपने देखा होगा कि महासेल चल रही है या बहुत अर्जेंट है या दो ही टिकट बाकी है, अभी कर लो वरना आपको मिलेंगे नहीं, या एक ही अब तो कंफर्म सीट भी नहीं मिल सकते। बुक माई शो में आप कर रहे हो तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा कि ये सीट ही फुल है या एक ही सीट खाली है, इतने दे दो। या अभी आपने फ्लाइट की टिकट देखी, वो टिकट कोई पर्टिकुलर दाम की है और फिर 2 घंटे बाद आप देख रहे हो उसी टिकट की दाम बहुत हाइक पे चली गई। सो दिस ऑल आर द पैटर्न टू चीट द कस्टमर और इन सारे पैटर्न को क्या कहा जाता है, डार्क पैटर्न। साथियों, कस्टमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया और उसी के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आती है। उन्होंने ऐसे 13 तरीके ढूंढे, ये 13 तरीके हैं जिनसे, जिनके थ्रू कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाती हैं ई कॉमर्स कंपनियां, और इन 13 तरीकों को डार्क पैटर्न कहा गया और इन्हीं डार्क पैटर्न को प्रोहिबिट करने की बातें जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने किया। साथियों, कभी कभार ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कि इनमें आपको ये कहा जाता है कि एक भी सीट बाकी नहीं है, आपको ये कहा जाता है कि अब जल्दी कर लो वरना तो फिर आप, मतलब सब आईपीएल देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपने किसी एक चीज़ को परचेज करा, उसके साथ एनसेली चीज़ सामने चली आई। ये सारे डार्क पैटर्न हैं, यानी कि ये सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कस्टमर को डिसिप्ट किया जाता है। इनसे कस्टमर को क्या किया जाता है कि धोखा दी जाती है, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो कमाए जाते हैं। कस्टमर्स की इंडिपेंडेंट परचेज मेकिंग जो डिसीजन है उनको, उसको बार बार जो है वो क्या किया जाता है, इनक्रोच किया जाता है। इसके लिए ही जो आपको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने ये कहा है कि ऐसे डार्क पैटर्न जो 13 तरीके के हैं, इनके कुछ टेक्निकल नाम हैं हम पढ़ेंगे, ये 13 तरीके के डार्क पैटर्न को रुकना चाहिए। अगर कोई कंपनियां अगर ऐसी बात कर रही है जो गुड्स और सर्विसेज के डिलीवरी में शामिल है ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर वो ऐसे पैटर्न को अपनाती हैं तो उस कंपनियों पे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने लग सकते हैं, ठीक है। और आप देखे होंगे कि इनमें अलग अलग तरीके ये अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कहते हैं कि बहुत अर्जेंसी है, सिर्फ 2 रूम बचे हैं, हाँ, और ये बताते हैं कि 30 और लोगों ने चेकआउट कर लिया है, चेक किया है, इनको देखा है, 30 और लोग आप ही की तरह हैं, सिर्फ 2 रूम बाकी है, 30 लोग हैं, जल्दी से बुक कर लो, ठीक है, आज नहीं तो कब किया, ठीक है। कभी कभार ये कहते हैं कि ये फ्लाइट की टिकट आप ले लो, ठीक है, और उसी फ्लाइट की टिकट के नीचे आपको ये बताते हैं कि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया ना, तब आप अनसिक्योर्ड है, आप उड़ तो जाओगे लेकिन बात की जिम्मेदारी जो है, आप एक तरीके से आप जिम्मेदार नागरिक ही नहीं हो, ठीक है। ऐसे ऐसे फ्रेज लिखे होते हैं और ये सारे जो फ्रेज हैं ना, इनके टेक्निकल नाम है, क्या टेक्निकल नाम है, इनको कहते हैं कन्फर्म सेमिंग। कन्फर्म सेमिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे फ्रिज, ऐसे वीडियोज़ का इस्तेमाल करना जिनसे
एक कस्टमर को जो है वो शर्म महसूस हो, जैसे कि आपने एक फ्लाइट की टिकट ली और नीचे लिखा गया है कि इवन आई टेक फ्लाइट टिकट बट आई एम अनसिक्योर्ड, मतलब मैंने फ्लाइट की टिकट ली, मैं अनसिक्योर्ड हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया। तो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे क्या कहा है कि अगर आप तुम इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आप एक तरीके से हम मेरे अंदर एक सेम की भावना जगा रहे हो बाई नोटिंग दिस फ्रेज। तो इसको कन्फर्म सेमिंग कहेंगे, ठीक है। आपने अगर हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ली और एक बार की आपने सब्सक्रिप्शन ली लेकिन इन्होंने जो है वो बार बार के सब्सक्रिप्शन कर दिए, ठीक है, तो इनको सब्सक्रिप्शन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। आपने एक आइटम खरीदा, ठीक है, और एडिशनली पहले पहले से चेकआउट बहुत सारे प्री टिक आइटम होते हैं, ठीक है। आपने एक आइटम एक चीज़ें ली, उनमें से बहुत सारे एडिशनल आइटम जो है पहले से टिक हुए थे और वो सारे आइटम जो है कंपनी और प्लेटफॉर्म की चालाकी की वजह से आपको लेना पड़ गया। तो इसको बास्केट स्निकिंग कहेंगे, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाइयों को ही, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही हाईलाइट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ। इसको इंटरफेस इंटरफेरेंस कहेंगे, ठीक है। उनके बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन है उनको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। बेट एंड स्विच का मतलब ये हुआ कि आपको दिखाया जाएगा कि ये देखिए हमारे यहाँ एप्पल की वॉच 3,000 में, और जब आप उस पे जाएंगे ना उसमें लिखा होगा कि बस स्टॉक फुल, मतलब हमारे यहाँ एप्पल की वॉच अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप ऐसा कर लो कि फास्ट ट्रैक के ले लो, ठीक है। तो बेट एंड स्विच में ये होता है कि वो दिखाता कुछ है और बेचता कुछ है। नेगिंग का मतलब ये कि आपको बार बार मैसेज भेज रहा है कि ठीक है कि ये ले लो ले लो ले लो, हाँ कि जोमेटो से ले लो इस तरीके से। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बहुत चलता है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो आप देखे होंगे कि बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर आती है वो कहती है कि हम ट्रायल वर्जन पे हैं, ठीक है, पहले कुछ पैसे दे दो, 2 महीने के बाद आपको सही ना लगे 2 महीने की ट्रायल पीरियड पे ये मेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, और अगर सही ना लगे ना तो ये पैसे मैं वापस कर दूंगा। लेकिन कब ये फ्री ट्रायल पेड में कन्वर्ट हो जाती है ये पता भी नहीं चलता और कोई नोटिफिकेशन भी आपको नहीं दिए जाते। तो इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को बिलिंग कहते हैं। एक होता है रज मालवेयर, आपके ही डिवाइसेस को हैक करके आपको कहा जाएगा कि देखिए आपकी डिवाइसेस हैक हो गई है, आपको एक तरीके से हम एक सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे साइट्स के ऊपर आपको उस प्लेटफॉर्म की जो होती है वो ऐसे लिंक दिए होते हैं जिनको आप टच करेंगे, ऐसे साइट्स पे आप चले जाएंगे जहाँ से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, आपको चीट किया जाए, आपको डिसीव किया जाए। ये सारे पैटर्न, ये सारे तरीके हमारे यहाँ ई कॉमर्स कंपनियाँ अपनाती हैं, जिनसे कस्टमर्स के राइट इम्पैक्ट होते हैं, जिनसे कस्टमर्स के इंडिपेंडेंट परचेज मेकिंग जो पावर है, कस्टमर अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से सोचे कि उसको क्या खरीदना है, ये चीज़ें इम्पैक्ट होती है। और इन सारी चीज़ें जो कस्टमर्स के इंडिपेंडेंट परचेज मेकिंग पावर को कि या डिसीजन मेकिंग पावर को जो इम्पैक्ट करती है, ये सारे डार्क पैटर्न कहलाते हैं। इसलिए ये टर्म्स बहुत टेक्निकल है, ये जाननी बहुत ज़रूरी थी।